जी देखिए, क्राइम का जो ग्राफ है 2017 की तुलना में 2018 में यकीनन काफ़ी कम हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे एफर्ट्स इसको और कम करने में कुछ कम हुए हैं। हमारे एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हम दिल्ली की जनता को एक सिक्योर और सेफ एक्सपीरियंस दे पाएँ दिल्ली मेट्रो में, और उनके साथ कोई भी चोरी चकारी जैसी घटना ना हो। उनकी सुरक्षा हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इसी लक्ष्य की तरफ मेहनत कर रहे हैं। 2017 की तुलना में 2018 में जो EFIR की भी जो संख्या है वो काफ़ी कम हुई है। इनफैक्ट उसमें जो गिरावट देखी गई है वो एक तिहाई से भी ज़्यादा है। तो जहाँ पे 2017 में करीबन 7000 EFIR दर्ज हुई थी आज की डेट तक, वहीं पर 2018 में सिर्फ 2300 EFIR हैं, जो कि हमारे लिए एक कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी पर हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं और हमारे जो कदम हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम और मेहनत करेंगे और इसमें और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जबकि तो यानी एक जीरो चाहते हैं आप, जीरो टॉलरेंस जीरो हो जाए। हमारी तरफ से क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस है इस पूरी मुहिम में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी पैसेंजर जा रहे हैं मेट्रो में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, स्पेशली चोरी चकारी से। स्पेशली जब किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसको काफ़ी बड़ा एक सदमा लगता है, एक झटका लगता है। तो इस सब में हम हमारे एफर्ट्स जारी हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको और कम करने। दिल्ली मेट्रो को और किसकी ज़रूरत पड़ती है कि जो पूरी जितनी FIR किन की ज़रूरत आपको और पड़ती है? जी, दिल्ली मेट्रो पुलिस जो है, जो दिल्ली पुलिस मेट्रो यूनिट है, ये DMRC और CISF के तालमेल के साथ काम करती है। CISF काफ़ी भारी संख्या में जी दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पे डिप्लॉयड है। अच्छा। उनका प्राइमरी काम है लोगों की चेकिंग, फ्रिस्किंग और जो और सुरक्षा के इंतज़ाम है वो CISF के दायरे के अंदर आता है। DMRC का भी जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो उनके तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है, उससे भी हमें काफ़ी सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। जो DMRC के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हैं श्री मुकुंद उपाध्याय, जो पहले दिल्ली पुलिस में ही थे, उनसे भी हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिलता है जिससे हम लोगों को और सुरक्षा दे पाते हैं। बिल्कुल। तो एक और, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि एक तिहाई आपने इसमें ग्राफ कम कर लिया है, एक तिहाई में क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपने पूरी उन पर बखूबी उन चीज़ों को पकड़ा है? क्योंकि 7000 और वहाँ पे आप बता रहे हैं तकरीबन 2000, तो कुछ ना कुछ आपने पॉइंट्स ऐसे पकड़े होंगे, वो पॉइंट्स क्या हैं ऐसे? जी, हमने इसमें बड़े टारगेटेड तरीके से अपनी टीम्स को डिप्लॉय किया, बहुत सारी टीम्स को डिप्लॉय किया, जहाँ जहाँ लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है जिन मेट्रो स्टेशंस पे, जैसे कि राजीव चौक या कश्मीरी गेट, और जहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, स्पेशली ऑफिस आवर्स पीक आवर्स के वक्त, वहाँ पे हमने टीम्स को डिप्लॉय करके काफ़ी सफलताएँ प्राप्त करी हैं, काफ़ी चोरों को पकड़ा है, काफ़ी फ़ोन रिकवर किए हैं। इस तरह से हमें ये कामयाबियाँ मिली हैं। इसमें हम CISF और DMRC को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी मदद रही है, सहयोग रहा है इस पूरे मुहिम में। एक और भी मामला सामने आता है सबसे ज़्यादा, कि जो मेट्रो के, जिस तरीके आपने बताया, भीड़ भाड़ वाले जो मेट्रो स्टेशंस होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं चढ़ते हैं, तो वहाँ पे जेब कतरों की बहुत ज़्यादा तादाद रहती है और लोगों की सबसे ज़्यादा शिकायत, अभी हाल में भी आपने एक चोर को पकड़ा था जिसके ऊपर 22 मामले ऐसे दर्ज थे, तो उनको किस तरीके से आप लगाम लगाते हैं? क्या आपके कोई लोग जो होते हैं पुलिसकर्मी होते हैं वो सिविल ड्रेसेस में भी होते हैं, किस तरीके से आप? हमारी काफ़ी टीम्स हैं जो प्लेन क्लोथ या सिविल ड्रेस में हैं, और काफ़ी टीम्स हैं जो यूनिफॉर्म में हैं। तो प्लेन क्लोथ्स में जो हमारे कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो काफ़ी सस्पिशियस एलिमेंट को, संदिग्ध एलिमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहते हैं और उन पे लगाम लगाते रहते हैं। हमें कोई भी अगर ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो हम उसको चेक करते हैं और उससे काफ़ी हमें चोरियों पे लगाम लगाने में मदद मिली। अच्छा, FIR तो अलग बात है, क्या जितने और भी जो मामले आते हैं, कोई कोई वो कुछ कमियाँ हुई हैं उनके मामले में? क्योंकि कोई कोई लोग शिकायत दर्ज नहीं कराते, सिर्फ बताते हैं कि ये चीज़ हुई, ये चीज़, उसमें कुछ कमी आई? जी देखिए, जो FIR आजकल लोग दर्ज कराते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन दर्ज कराते हैं, EFIR कराते हैं। तो लोग अपने, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये सुविधा दी हुई है, तो लोग अपने घर पर बैठ के वो EFIR दर्ज कराते हैं। और मामलों में भी कमी आई है,
और तरह के केसेस में भी कमी आई है और हमने अपनी जो पेट्रोलिंग है, जो हमारी प्रेजेंस है, जो विजिबल पुलिस प्रेजेंस जिसको हम बोलते हैं, वो हमने काफ़ी मात्रा में बढ़ा दी। दीपक जी, अभी हाल ही में हमने देखा था दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने अपना एक प्रोग्राम किया था जिसमें प्रणब मुखर्जी भी आए थे, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भी आपके कई लोगों को सम्मानित किया। कौन कौन वो लोग थे और किस वजह से आपकी दिल्ली मेट्रो पुलिस को सम्मानित किया? जी, दिल्ली पुलिस मेट्रो यूनिट को एक काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी इस साल की शुरुआत में, जब हमने काफ़ी बड़ा केबल थेफ्ट का केस DMRC का वो क्रैक किया था। तो हमारे उस टीम के जो इंचार्ज थे इंस्पेक्टर राजीव कुमार, जो तब SHO INA मेट्रो का काम देख रहे थे और स्पेशल स्टाफ का भी काम देख रहे थे, उनको DMRC के द्वारा और माननीय श्री प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया था DMRC के फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन जी। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है और हम इसी तरह और कोशिश और मेहनत जारी रखेंगे। आम जनता से आपकी कितनी मदद मिलती है आम यात्री, क्योंकि एक तरीके से दिल्ली पुलिस कहती है कि आँख और कान बने रहे, हमारे नाक बने रहे आम जनता, वो किस तरीके से आपकी हेल्प करती है? आम जनता से हमें बहुत सहयोग मिलता है, हम आम जनता का, दिल्ली की जनता का जो मेट्रो में सफ़र करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमें वो कॉन्स्टेंटली अपने इनपुट्स के द्वारा, अपनी फीडबैक के द्वारा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो वैसे ही हमारे मेट्रो स्टेशन पे जब हम इंटरेक्ट करते हैं हमारे SHOs, या मैं खुद जब जाता हूँ या हमारा स्टाफ जब इंटरेक्ट करता है, तो उनसे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है कि हम अपने इस पूरे ऑपरेशन को कैसे सुधार सकते हैं। हम बहुत जल्द एक मीटिंग भी ऐसी करने वाले हैं जिन जिन लोगों ने रंगे हाथों अपराधियों को पकड़ा है मेट्रो स्टेशन में, उनको हमने पहले भी सम्मानित किया था। हम एक मेट्रो रिवार्ड्स करके एक स्कीम चलाते हैं जी, ऐसा एक प्रोग्राम जल्द फिर से होने वाला है। उसके पहले हम एक मीटिंग भी करने वाले हैं इन्हीं लोगों से जिन्होंने अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा है, ताकि हम इनसे जान पाए कि हम अपनी पुलिसिंग को और कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि इसी जनता के लिए हम काम कर रहे हैं और हम इनसे जान पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। तो आपने सुना किस तरीके से दीपक गौरी जी कह रहे हैं। दीपक जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, या एक आम जनता को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे दिल्ली मेट्रो के, आप DCP हैं, दिल्ली मेट्रो के जो डेली यात्री बढ़ते रहेंगे खास तौर से महिलाएं, उनको क्या एक तरीके से आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, महिला सुरक्षा जो है वो दिल्ली पुलिस, पूरी दिल्ली पुलिस के लिए एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी प्रायोरिटी पे रहता है महिला सुरक्षा, और महिलाओं की सुरक्षा हम मेट्रो में भी इंश्योर करते हैं। हमारा स्टाफ रेगुलरली प्लेन क्लोथ्स में भी हम अपने महिला पुलिसकर्मी को रखते हैं, ताकि महिलाओं को हम बेहतर सुरक्षा दे पाएँ। अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन सीजन के लिए भी हमने एक डिप्लॉयमेंट किया था, जिसमें हमने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष डिप्लॉयमेंट भी करा हुआ था। तो ये सब हम कोशिशें हम जारी रख रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इससे महिलाओं को सुरक्षित रखने में हम सफल होंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली की जनता है वो दिल्ली पुलिस मेट्रो यूनिट को पूरा सहयोग देगी और हम जनता के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे और दिल्ली मेट्रो को अपराध मुक्त करने में कामयाब होंगे।